तो भाइयों अभी तक तो आप सभी ने फिजू में नोटोजी मारी, हिंदी में तो देख ही लिया होगा, या फिर अगर आप हिंदी अगर नहीं देखना चाहते तो आप हिंदी इंग्लिश सब या इंग्लिश डब में तो कन्फर्म ही देख लिए होंगे। बट अगर अभी अभी तक आपने जो ये मूवी नहीं देखा है तो यार मेरे पिछला वीडियो जाओ, मैंने पिछला वीडियो में बताया है कि आप इसे कैसे हिंदी में देख सकते हो। तो भाइयों आज के वीडियो पे हम बात करेंगे कि क्या जो ये मूवी आई है वो ये इस साल की सबसे बेस्ट मूवी हो सकती है क्या, क्या या फिर ये आपको जो इतने सारे जो लिस्ट में मूवी देख रहे हैं क्या इन मूवी को ये टक्कर दे सकती है। तो जानेंगे यार कि आखिर ऐसा इस मूवी में क्या था जो अभी के टाइम पे जो मूवी है बहुत ही चल रही है। अगर आप यूट्यूब वगैरह में जाओगे और रील्स में देखोगे ना तो ये मूवी के बारे में बहुत ही ज़्यादा दिखाया जाता है। और ऐसा क्या है मूवी गाइस, तो ये मूवी अभी बहुत ही चल रही है, ठीक है। तो चलो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे गाइस पहले मैं अपना खुद का ओपिनियन भी दूँ कि मुझे ये मूवी कैसा लगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो इसके सबसे पहले इस स्टोरी को जिस तरह से दिखाया गया है भाई, मैं बोलूँगा मुझे सबसे बहुत बढ़िया लगा। और बात करें लेंथ की, मूवी लेंथ के बारे में, तो एक काइंड ऑफ जो नॉर्मल हम मूवीज़ देखते हैं थिएटर में उसके हिसाब से ये ठीक है। थिएटर में देखने लायक 2 घंटा और इतना तक तो हम अब मूवी देख सकते हैं थिएटर में, ठीक है। और 2 घंटा आई थिंक मुझे लगता है ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, बट एक मूवी के हिसाब से ना ज़्यादा लेंदी है ना ज़्यादा छोटा है, ठीक ठाक दिया गया है। तो हम बात कर लेते हैं इसके एनिमेशन के बारे में। अब देखो जैसे कि ये मूवी है, इससे बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे मूवीज़ को कंपेयर करेंगे, लाइक डीमन स्लेयर, स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क जो अभी रिसेंटली आए, उससे बहुत लोग बोलेंगे कि यार मुझे ये मूवी पसंद आई, मुझे पसंद आया है डीमन स्लेयर। अब गैस आपको जैसे कि अब जो लोग समझदार है यार उन लोगों को तो कुछ बोलने जरूरत नहीं है, लेकिन गैस अभी जो नए आए हैं ठीक है उनको बता दो कि ये दोनों अलग जोनर की मूवी है, अलग फील्ड है दोनों के, मतलब दोनों की स्टोरी अलग है, तो आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते हो। कंपेयर करना है तो यार आप इसके रिलेटेड मूवीज निकालो, जैसे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर आई वॉन्ट टू ईट योर पैंट गैस। तो गैस इस टाइप की जो मूवी है वो आप इस जो मूवी है सुजू में उससे आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये एक टाइप की जोनर की मूवी है, थोड़ी लव स्टोरी है ठीक है। बट हाँ क्योंकि जो सुजू में है वो थोड़ा सा क्या होता है कि हमें इसमें थोड़ा जो था फैंटेसी वर्ल्ड को देखने को, मतलब फैंटेसी थोड़ी सी कहानी देखने को मिलती है। बट जो मैंने अभी और 2 मूवीज़ के बारे में बताया ये थोड़ी इसमें लव स्टोरीज हैं, ट्विस्ट वगैरह भी हैं। तो और क्योंकि ये मूवी इतनी सारी स्पेशल किस लिए है, क्योंकि आपको बहुत सारे सीन्स ऐसे लगेंगे इसे रियल कैमरा से शूट किया गया है। आप जब मूवी देखोगे आपको खुद को पता चलेगा कि हाँ ये जो मैं बात बोल रहा हूँ बिल्कुल सही। अगर आप अपने अगर इसमें से कोई मूवी देखे सिर्फ सुजू में भी देखा हो तो आपको लगता होगा कि हाँ ये जो मूवीज़ है इसे एनिमेट नहीं किया गया बल्कि इसे रियल कैमरा से शूट किया गया, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं डिमन स्लेयर के बारे में। तो गाइस डिमन स्लेयर भी बहुत ही बढ़िया है, तो ये बहुत बढ़िया बनाया गया है, लेकिन गाइस आप उसे इससे कंपैरिजन नहीं कर सकते हो कि ये जो मूवी है वो मतलब डिमन स्लेयर मूवी है ये इस मूवी से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो इसी जोनर से एक और मूवी आती है जिसका नाम है योर नेम। देखो वो भी मतलब लव स्टोरी नहीं है, बट ये एक ऐसा इसमें कहानी है, क्योंकि इसमें है क्या कि जो भी बंदे एनिमे देखते हैं और जब उन्हें थोड़ा बहुत जब एक्सपीरियंस हो जाता है एनिमे देखने में, तब वो जब मूवीज़ देखना स्टार्ट करते हैं एनिमे में, तो बहुत सारे बंदों का फर्स्ट मूवी जो होता है वो योर नेम ही है। क्योंकि कारण यह है कि ये मूवी इतनी अट्रैक्टिव है, इसकी कहानी इतनी अट्रैक्टिव है कि आप आगे चल कर भी इस मूवी को भूल नहीं सकते। तो ये था गाइस सुजुमे से रिलेटेड कुछ बातें। बट इतना ही था मेरा ओपिनियन इस वीडियो पे। मैंने इस वीडियो पे बताया सुजुमे के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ मूवीज़ के बारे में बताया। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि ये मूवी कैसी थी, और आप इससे रिलेटेड अगर कोई मूवी देखने जाते हो तो मैंने नाम भी बता दिया, तो आप जाके वो मूवीज़ भी देख सकते हो। एंड बस इतना ही था वीडियो में। एंड गाइस आप लोग बताना अगर इस वीडियो पे कुछ छूटा है तो क्या छूटा है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। सो चलो आज का वीडियो इतना ही था। एंड गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।